हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल नामदेव एकेडमी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नामदेव एकेडमी में। तो देखिए, आज के सेशन में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, घड़ी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, किसके बारे में पढ़ने वाले? घड़ी के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो घड़ी वाला टॉपिक है वो काफी इम्पोर्टेंट है। तो अपन टॉपिक स्टार्ट करें, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो उतना शेयर कीजिए, साथ ही घंटी के चिन्ह को दबाइए जिससे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, घड़ी अपना क्या है कि घड़ी टॉपिक है ना, ये एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसका जरूर आता है, कितना? एक क्वेश्चन तो जरूर आता ही आता है। तो देखिए, इसको स्टार्ट करें उससे पहले आपको कुछ चीज याद रखनी पड़ेगी। कैसे याद रखनी पड़ेगी? देखो, वो चीज बताती हूँ मैं क्या है। जैसे मानो अपने पास ये घड़ी है, ठीक है, अपने पास ये घड़ी है। तो इसमें अपन ने देखिए कितने कितने घंटे होते हैं, टोटल 12 घंटे होते हैं। कितने? 12 घंटे होते हैं। तो 12 घंटे होते हैं यानी कि 12 घंटे कह दो, या फिर उनको क्या मान लो, भाग मान लो कि भाई 12 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो अब ये 12 घंटों के अंदर कितना कोण बनाती है? देखो, जब ये घड़ी की सुई घूमती है ना, तो पूरे 12 घंटों के अंदर पूरा कितना बनाती है? 360 डिग्री का एंगल बनाती है। अब देखो, ये ऐसे कुछ एंगल होता है। अब जैसे मान लो कोई भी सुई यहाँ से स्टार्ट हुई, पूरा यू रोटेट हो ली, पूरा घूम ली, तो उसने पूरा घूम ली तो क्या बना दिया, यानी कि 360 डिग्री का कोण बना लिया। पूरा एक राउंड कंप्लीट कर देगी तो 360 का। तो इसलिए अब देखो, पूरी घड़ी के अंदर कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं। और जब सुई पूरी एक राउंड पूरा ले लेगी तो कितने का, 12 घंटे में कितने का बनाएगी वो एंगल? 360 डिग्री का बनाएगी। जब 12 घंटे में 360 डिग्री का बन रहा है तो एक घंटे में कितना बनेगा? एक घंटे में कितना बनेगा? तो अपन क्या करेंगे, 360 को 12 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आंसर अपना क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। यानी कि एक घंटे में कितने, 30 डिग्री का बनाएगी। एक घंटा यानी कि एक भाग। कितना? एक भाग। कैसा भाग? देखो, जैसे ये आ रहा है, ये कितना है, एक भाग है यहाँ से यहाँ तक इसके बीच का। तो ये एक भाग में कितने का बनाएगी? वो 30 डिग्री का बनाएगी। अब देखो, इसी तरह से कुछ इम्पोर्टेंट चीजें, कैसे, किस किस के लिए? घंटे वाली सुई के लिए और मिनट वाली सुई के लिए। किसके लिए? घंटे वाली के लिए और मिनट वाली के लिए। तो देखो, घंटे वाली के लिए मैंने बताया, क्या बताया, कि एक घंटे में, एक घंटे में यानी एक भाग में कितना कोण बनाएगी वो, अपना क्या निकला, 30 डिग्री निकला। तो अब देखो, ये एक घंटे को अपन 60 मिनट भी तो कह सकते हैं ना, क्योंकि एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। तो 60 मिनट में उसने कितने डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री का। तो एक मिनट में कितना बनाएगी, एक मिनट में कितना बनाएगी, तो 30 में किसको डिवाइड कर देंगे, 30 को 60 से डिवाइड कर देंगे, तो यानी 1/2 डिग्री, यानी कि आधा डिग्री कोण बनाएगी। अब इसी तरह से मिनट वाली सुई में देख लीजिए। अब मिनट वाली सुई की अपन ने बात करी, तो भाई 5 मिनट के अंदर कितना, 5 मिनट में कितना कोण बना रही है, 30 डिग्री का। जब 5 में 30 का बना रही है तो 1 मिनट में कितने का कोण बनेगा, तो 30 में भाग दे देंगे 5 का, तो कितने का बनेगा, 6 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो ये चीजें देखो, ये कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं घड़ी के टॉपिक की, जो ये बेसिक चीजें आपको अच्छे से समझनी है और इनको याद रखनी है। अब अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, इसका एग्जांपल जैसे ये दिया है ना, इसी ये चीजें समझाइए, बेसिक चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट, इन्हीं के ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है एग्जांपल? क्वेश्चन अपना कह रहा है कि 8:00 कितने मिनट हो रही है, 8:20 हो रही है। तो आप कोई भी घड़ी है उसके अंदर 8:20 हो रही है, 8:20 हो रही है। तो देखिए, अपन ने जैसे ये घड़ी है यहाँ देखा अपन ने कि 8:00, तो 8:00 तो यानी आवर हैंड, घंटे की सुई किस पे होगी, 8 पे होगी, और मिनट हैंड यानी 20 पे होगी। क्यों? 20 मिनट हो रही है। तो बताओ भाई, कह रहा है कि सुइयों के मध्य, यानी ये देखो सुई यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये सुइयों के बीच में, तो यहाँ पे ही देखेंगे कि यहाँ पे कितने डिग्री का, क्या है, कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये अपन से क्वेश्चन किया है। अब देखो, ये क्वेश्चन किया है तो अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ पे कितने भाग है। तो देखो, गिने अपन ने कितने भाग है, ये देखो, 1, 2, 3, 4, 4 भाग है। अब मैंने क्या बताया था, एक भाग के अंदर कितना कोण बन रहा था, एक भाग के अंदर 30 डिग्री का बन रहा था। कितना बन रहा था, 30 डिग्री का बन रहा था। और यहाँ पे कितने भाग है, टोटल भाग है 4 भाग है। कितने हैं, देखो, कुल भाग, कुल भाग कितने, कुल भाग है 4।
और एक भाग में कितना बन रहा था, एक भाग में 30 डिग्री का बन रहा था, एक भाग में 30 डिग्री का बन रहा था, तो चार भाग में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो बनेगा 4 × 30 कर देंगे। 30 से क्यों किया, क्योंकि 1 घंटे में, यानी कि एक भाग के अंदर कितने बन रहा था, एक भाग के अंदर 30 डिग्री का कोण बन रहा था। जब एक भाग के अंदर 30 डिग्री का कोण बन रहा था, तो चार भाग के अंदर कितना बनेगा, तो 4 × 30 कर देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा, 120 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 120 आ गया आंसर। तो अब अपन 120 को क्या करेंगे, देखो ये तो अपना क्या चार भाग ले लिए किसके, घंटे के, पर अब देखो अपन क्या करते हैं इसको मिनट में करके देखते हैं कि भाई घंटे में तो देख लिए, अब मिनट में, घंटे के अनुसार तो इतने बन गए, अब घंटे को क्या करेंगे मिनट में देखेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे ये 20 मिनट हो रही है ना भाई, 8 बज के कितनी हो रही है, 20 मिनट हो रही है, तो 20 मिनट हो रही है, तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था आपको ये तो घंटे के अनुसार तो अपने निकाल ही लिया, तो 20 मिनट हो रही है, तो यहाँ क्या बताया था, 1 मिनट के अंदर, देखो मिनट वाले में देखा था अपन ने, तो 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना बन रहा था, 1 मिनट में अपन बन रहा था आधा डिग्री बन रहा था, जब 1 मिनट में अपना आधा बन रहा था, तो कितनी मिनट हो रही है, यहाँ देखा अपन ने कितनी मिनट हो रही है, 20 मिनट हो रही है, देखा ना अपन ने 8 बज के 20 मिनट हो रही है, तो 20 मिनट हो रही है, तो 20 मिनट के लिए कितना बनेगा, 20 मिनट की बात करें तो 20 मिनट के लिए कितना बनेगा, तो भाई 1 मिनट में जब आधा बन रहा था, तो 20 मिनट में क्या करेंगे, 20 गुना कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो गया, 10 डिग्री। तो देखो अब ये 10 डिग्री तो किससे बना, मिनट वाली सुई से, और घंटे वाली से कितना बना, 120। घंटे वाली से कैसे बना, मैंने बताया घंटे वाली में यहाँ देखा अपन ने कितने भाग है, सुइयों के बीच में कितने भाग है, 1 2 3 4, चार भाग है, और एक भाग में मैंने बताया था कितना बन रहा है, एक भाग के अंदर 30 डिग्री बन रहा है, तो चार भाग के अंदर कितना बनेगा, 4 × 30 कर देंगे, तो कितना हो गया, 120 डिग्री। अब देखो 120 हो गया, फिर अपन मिनट देखते हैं कि भाई 8 बजकर, ये तो देख लिया अपन ने 8 बजकर 20 मिनट हो रही है, कितने मिनट हो रही है, 20 मिनट। अब मिनट वाली सुई में देखो 1 मिनट में कितना कोण बनाया था, 1 मिनट में यहाँ अपन ने देखा कि भाई आधा कोण बनाया था, कितना बनाया था, 1 मिनट में आधा कोण बनाया था, तो 20 मिनट के अंदर कितना बनाएगी, 20 मिनट के अंदर कितना बनाएगी, तो आधा गुना 20 कर देंगे, तो कितना, 30। तो अब बताओ टोटल कोण जो है वो कितने का बनेगा, तो कितने का कोण बना, 120 तो यहाँ से निकल गया था अपने, और 10 यहाँ से निकल गया, जोड़ा दोनों को तो कितना आ गया, 130 अपना आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को देखो अपन दूसरे मेथड से पढ़ते हैं, मेथड एक मेथड से मैंने सॉल्व करा दिया आपको, अब देखो सेकंड मेथड बताती हूँ, सेकंड मेथड बताती हूँ जो कि सब में लगेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है, एक फॉर्मूला अपन को याद रखना है भाई, कोण निकालने का जो फॉर्मूला है ना, तो क्या है कि देखो 11/2 × मिनट, क्या है, मिनट, माइनस करेंगे 30 डिग्री × घंटे। ठीक है, ये अपना क्या है, फॉर्मूला है। अब देखो इस फॉर्मूले में क्या कर देते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे तो अपना आंसर निकल जाएगा। कैसे, देखो क्या निकालना है अपन को, कोण निकालना है, कोण निकालना है, तो देखो क्या है फॉर्मूला, 11/2 × मिनट, तो मिनट कितनी दे रखी है, टाइम कितना हो रहा है, 8 बज के 20 मिनट, तो कितनी मिनट है, 20 मिनट, फिर माइनस 30 डिग्री, फिर गुना घंटे, तो घंटे कितने, 8 बजकर 20 मिनट, तो आवर कितना हो गया, घंटा कितना हो गया, 8, तो 8। ठीक है, अभी इसको सोल्व कर लेते हैं, तो देखो यहाँ से कितना मिल गया, तो इनको अपन ने मल्टीप्लाई किया तो कितना मिल गया, 110, और यहाँ से इनको गुणा किया तो कितना मिल गया, 240। अब देखिए जब मैं 240 के अंदर से 130 माइनस कर देती हूँ तो कितना मिलेगा, 100, मतलब कि 240 में से 110, ये 240 में से एक तो 10 माइनस कर दिया, तो कितना आंसर मिल गया, 130 डिग्री अपना आंसर मिल गया। ये देखिए, अब देखिए नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं मिरर इमेज, जिसे हिंदी में बोलेंगे दर्पण प्रतिबिंब, क्या, दर्पण प्रतिबिंब। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो देखो इसके लिए कुछ भी नहीं करना है अपन को, बहुत आसान सा है, क्या चीज देखनी है, बस दो चीजें याद रखनी है, क्या चीजें याद रखनी है कि जब भी अपन को जो समय दे रखा है ना क्वेश्चन में, वो समय अगर 11 या 11 से पहले का समय दिया हुआ हो, कितना, 11 या 11 से पहले का समय दिया हुआ हो, तो अपन क्या करेंगे, जो समय अपन को दिया हुआ है प्रश्न में, उस समय को क्या कर देंगे, 11:60 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या बोला कि 11 या 11
बजे से पहले का टाइम हो, या तो 11 बजे या फिर 11 बजे के पहले का समय हो, पहले का समय हो तो दिए हुए समय को 11:60 में से घटा देंगे। फिर देखो दूसरी चीज क्या याद रखनी है, अगर 11 बजे के बाद का टाइम हो ना, 11 बजे के बाद का समय दे रखा है अपन को प्रश्न में, तो अपन क्या करेंगे, जो समय अपन को दे रखा है ना उस समय को 23:60 में से घटा देंगे। तो देखिए अब एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल कह रहे हैं कि 8:45 हो रही है, कितनी हो रही है 8:45 हो रही है, तो बताओ दर्पण प्रतिबिंब कितना बनेगा। तो दर्पण प्रतिबिंब बनाना है कि भाई दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो देखो अपन को क्या करना है, क्या बताया था मैंने, जब भी 11 या 11 बजे से पहले का समय हो तो किसमें से माइनस करना है, 11:60 में से, और 11 बजे के बाद का समय हो तो 23:60 में से करना है। अब ये देखो क्या हो रहा है, समय 8:45 हो रही है, तो ये 11 बजे से पहले का टाइम है, 11 बजे के बाद का है। देखो 8 है वो 11 से पहले आता है, ठीक है 11 से पहले आते हैं, तो यहाँ क्या था, इसमें पहला वाला काम करेगा कि भाई 11 या 11 बजे से पहले का समय हो, तो 8 जो है वो 11 से पहले का समय है ना, तो कितने में से माइनस करना है, 11:60 में से, तो 11:60 में से 8:45 को अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसमें कहा है साफ साफ कि जब भी ऐसा कोई समय हो कि भाई 11 या 11 बजे से पहले का समय हो तो उसको 11:60 में से माइनस कर देंगे। अब देखो माइनस कर दिया यहाँ पे, तो अपन को देखो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पे अपन को मिल जाएगा 3:15, क्या बन जाएगा 3:15, जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगी ना, 8:45 हो रही है, तो बताओ दर्पण प्रतिबिंब कितनी बनी। तो अपन ने देखा कि भाई 8:00, तो 8:00 तो 11 से पहले का समय दे रखा है, तो अपन ने 11:60 में से माइनस कर दिया, तो अपना आंसर आ गया 3:15। अब देखो इसी तरह से दूसरा उदाहरण यहाँ दे रखा है, क्या कह रहा है कि 12:25 हो रही है, कितनी 12:25 हो रही है, तो बताओ दर्पण प्रतिबिंब कितना बनेगा। अब बताओ ये समय देखो क्या हो रहा है, 12:25, तो ये अपन ने देखा कि 11 बजे के बाद का समय, क्योंकि 12 तो 11 के बाद में ही बनते हैं, तो 11 बजे के बाद का समय ये, तो कितने में से माइनस करना पड़ेगा, 23:60 में से, तो अपन क्या कर देंगे इसको 23:60 में से माइनस कर देंगे, किसको 12:25 को। अब देखो माइनस कर दिया अपन ने, तो माइनस कर दिया, तो देखो अपना आंसर क्या आ जाएगा, अपना आंसर ये अपना आ जाएगा 11:35, ये अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक और उदाहरण इसमें देख लेते हैं, देखो क्या दे रखा है, कह रहा है कि 3:35 हो रहे हैं। अब ये 3:35 हो रहे हैं, तो इसको अपन ने दर्पण में देखा, तो दर्पण में देखने पे कितना समय प्रतीत होगा, कि यानी 3:35 हो रहे हैं, उसको दर्पण में देखने पे वो समय कितना दिखेगा। तो मैंने क्या बताया था कि भाई जो मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब के लिए मैंने क्या बताया था, कि जब भी समय 11 या 11 से पहले का दे रखा हो तो 11:60 में से घटा देंगे दिए हुए समय को, और 11 के बाद का समय दे रखा हो तो उस दिए हुए समय को अपन 23:60 में से घटा देंगे। तो ये क्या हो रहा है, समय 3:35 हो रही है, तो अब ये 3:35 हो रही है, ये 11 से पहले का क्या है, 11 से पहले का टाइम है, क्या है 11 से पहले का, तो 11 से पहले का टाइम है, तो अपन क्या करेंगे कितने में से घटा दे, 11:60 में से माइनस कर देंगे, कितने को 3:35 को। अब माइनस कर दिया अपन ने, तो कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे अपन को आंसर मिल जाएगा ये 8:25 अपना आंसर मिलेगा, यानी कि 3:35 हो रही है, उस समय को अपन ने दर्पण में देखा, तो अपन को टाइम कैसे दिखेगा, 8:25 ऐसा अपन को टाइम दिखेगा। नेक्स्ट अपना पढ़ेंगे अपन वॉटर इमेज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जल प्रतिबिंब, किसके बारे में, जल प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें अपन को आवर और मिनट, देखो इसमें ट्रिक क्या है निकालने की, समय निकालने की ट्रिक ये है कि इसमें आवर और मिनट के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, आवर के लिए यानी घंटे के लिए, किसके लिए, घंटे के लिए, घंटे के लिए। तो अपन देखो क्या करेंगे कि जैसे मान लो अपन को कोई भी समय दे रखा है, तो वो समय अगर 5 से कम का समय दे रखा है ना, किससे, 5 से कम का समय दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे 5 से घटा देंगे उस समय को, यानी जो घंटा, घंटे के लिए ये जो भी घंटे अपन को दे रखे हैं उसमें, तो वो घंटे अगर अपन को 5 से कम दे रखे हैं, तो अपन क्या करेंगे 5 में से घटा देंगे,
और अगर 5 से ज्यादा दे रखे हैं तो क्या करेंगे, 17 में से घटाएंगे। इसी तरह से अब अपन मिनट के लिए देखेंगे। मिनट के लिए देखो क्या है, 30 मिनट का रखा है, इसमें 30 मिनट फिक्स रहेगा। कैसे देखो कि भाई जो भी अपन को समय दे रखा है ना, अगर वो मिनट उसमें उस समय में मिनट 30 मिनट से कम है, 30 मिनट से कम है तो 30 से घटा देंगे, 30 मिनट से कम हुई तो किस में से घटाएंगे, 30 में से। और अगर 30 मिनट से ज्यादा हुई तो किस में से घटाएंगे, 90 में से घटाएंगे। अब देखो, अब एक क्वेश्चन करते हैं फिर ये चीज समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन दे रखा है अपन को कि जल में देखने पे, क्या जल में देखने पे ये प्रतीत होता है कि घड़ी में 3:10 हुई है। भाई अपन ने जल में कोई समय देखा तो अपन को ऐसा लग रहा है कि घड़ी में 3:10 हो रही है, तो वास्तविक समय वो क्या होगा। तो अब देखो क्या देखा अपन ने इसमें, ये 3 तो क्या है, 3 तो आवर है, 3 आवर है यानी घंटे, और ये क्या है, ये है मिनट है। तो अब हमको अलग अलग निकालना पड़ेगा ना। अब आवर निकाल लेते हैं। पहले आवर के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर 5 से कम दे रखा है टाइम तो 5 में से कटा देंगे। अब ये 3 है, 3 5 से कम है, 5 से कम है तो 3 को 5 में से कटा दे, क्योंकि घंटे को घंटे में से कटाएंगे। तो घंटे के लिए अपन को क्या करना है, भाई भाई घंटा अगर 5 से कम दे रखा है तो 5 में से माइनस कर देंगे। तो 5 में से अपन ने 3 माइनस कर दिया तो क्या आ गया, 2। 2 तो क्या आ गया अपना, आवर आ गया, घंटा आ गया। अब मिनट देखते हैं मिनट कितनी हो रही है। मिनट के लिए कहा है कि अगर 30 मिनट से कम दी हुई है तो क्या करेंगे, 30 मिनट से कम दी हुई है तो अपन 30 से घटाएंगे। अब यहाँ मिनट कितनी दे रखी है अपन को, मिनट दे रखी है 10 दे रखी है, तो 10 जो दे रखी है वो किससे कम है, 30 से कम है। अब 30 से कम है तो इसको 30 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 10 को, तो कितनी हो जाएगी, 20 मिनट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 20 मिनट हो जाएगी। तो देखो फिर आंसर अपना क्या आया, आंसर आया यहाँ घंटे तो कितने आए, घंटे तो आए 2, तो यानी 2:00 और मिनट कितनी आई, 20, तो 2:20 अपना आंसर आया कि भाई वास्तविक समय हुई है। क्यों है, देखो कैसे बताया था मैंने कि अपन को जल में देखा तो 3:10 दिखाई दे रही है, तो बताओ वास्तविक समय क्या होगा। तो मैंने बताया था इसके लिए भाई घंटे अलग से निकालने पड़ेंगे और मिनट अलग से निकालनी पड़ेंगी। अब घंटे निकालने के लिए अपन को ये देखना पड़ेगा, अगर 5 से कम घंटे हैं, 5 से कम दे रखा है तो 5 में से माइनस करेंगे, और अगर 5 से ज्यादा घंटे दे रखे हैं तो अपन 17 में से माइनस करेंगे। ठीक है, अब इसी तरह देखिए यहाँ मिनट का देखते हैं। मिनट अगर 30 मिनट से कम दी हुई है तो 30 में से घटा देंगे मिनट को, और अगर मिनट 30 से ज्यादा दे रखी है तो 90 मिनट में से मिनट को घटा देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो अपन ने देखा यहाँ 3 था, 3 क्या है, 5 से कम था, तो मैंने क्या किया भाई, 5 से कम था तो 5 में से 3 को माइनस कर दिया तो कितने, 2 घंटे आ गए। तो यानी 2 घंटे आ गए भाई, 2:02 होंगे। तो अब मिनट निकाल ले अपन, मिनट क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 10। 10 क्या है, 30 मिनट से कम है, 30 मिनट से कम होंगी तो अपन को 30 में से माइनस करना पड़ेगा। तो अपन ने क्या किया, 30 में से माइनस कर दिया 10 मिनट को, तो कितने आ गए, 20 मिनट आ गए। तो यानी 2 तो घंटे आ गए, 20 मिनट आ गई, तो कितना उत्तर हो गया, 2:20 वास्तविक समय है। अब देखो इसी पे अपन एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वॉटर इमेज पे यानी जल प्रतिबिंब पे। तो अपन को देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि जल में देखने पे यह प्रतीत होता है कि 8:35 बजे, कितने 8:35 का समय हो रहा है। पानी में अपन ने देखा, जल में अपन ने देखा समय हो रहा है 8:35 का। जल में देखने पे क्या प्रतीत होता है कि भाई 8:35 का 8:35 बजे है, तो ये तो क्या जल में देखने पे पता चल रहा है कि भाई 8:35 बजे है, तो वास्तविक समय क्या होगा। तो मैंने क्या समझाया था कि जब भी ये जल वाली बात आ रही हो कि भाई जल प्रतिबिंब की बात आ रही हो तो अपन क्या करेंगे, इनके लिए मैंने 2 चीज समझाई थी। क्या समझाई थी कि अपन घंटे के लिए अलग से निकालेंगे, तो ये अपना क्या हो गया, घंटा हो गया, और ये अपने क्या हो गई, मिनट हो गई। ठीक है, तो घंटे के लिए अलग से निकालेंगे और मिनट के लिए अलग से निकालेंगे। तो अब देखो घंटे के लिए निकालते हैं, क्या घंटे के लिए क्या समझाया था, घंटे के लिए समझाया था कि जब भी कोई घंटा यानी घंटे में जो दिया हुआ समय है वो 5 से अगर कम हो, 5 से कम हो तो 5 में से घटाएंगे, और अगर 5 से ज्यादा हो तो 17 में से घटा देंगे। तो अब घंटा देखो, घंटे का सॉल्व करते हैं पहले। तो घंटे में कितने घंटे दे रखे हैं, 8 दे रखे हैं। अब ये 8 दे रखे हैं, ये 5 से ज्यादा है, कितने 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है तो अपन कितने में से घटाएंगे, 17 में से घटाएंगे। तो 17 में से क्या घटा दे अपन, 8 घटा दे।
अब 17 में से अपन ने 8 घटा दिए तो कितने हो गए, 9 आवर हो गए। कितने हो गए? 9 आवर हो गए, तो 9 घंटे हो गए। 9 तो क्या हो गए? घंटे हो गए। अब देखो मिनट सॉल्व करते हैं अपन। अब मिनट अपन ने सॉल्व की तो अपन ने क्या देखा, क्या बताया था मैंने मिनट के लिए कि जब अगर 30 से कम दे रखी हूँ, 30 से कम दे रखी हूँ तो अपन 30 में से घटा देंगे, और जब मिनट 30 से ज्यादा दे रखी हूँ तो कितने में से घटाएंगे, 90 में से। तो अब यहाँ पे मिनट अपन को 30 से ज्यादा दे रखी है, कितनी दे रखी है, 35 दे रखी है, 35 दे रखी है तो कितने में से घटाएंगे, 90 में से घटाएंगे। अब 90 में से अपन क्या कर देंगे, 35 मिनट घटा देंगे। 35 मिनट घटा दी 90 में से तो अपने पास क्या बच गई, 55 मिनट बच गई। 55 क्या हो गई, मिनट हो गई। तो अपना आंसर क्या हो गया, अपना आंसर हो गया 9:55। ये अपना वास्तविक समय है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो, उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो हम वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना हो आप अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को आगे तक पहुंचाइए, जिससे आपको और अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ और अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। और हमारे चैनल नामदेव एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही घंटी के चिन्ह को दबाइए, जिससे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको तुरंत मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।